अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को जिंदा फूकने का बयान देकर सुर्खियों में आने वाले परमहंस दास ने शाहरुख खान का बकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सड़क पर 13वीं का घड़ा फोड़ा, 13वीं संस्कार किया। परमहंस दास का दावा है कि 13 दिन पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का पोस्टर जलाकर अंतिम संस्कार किया था और अब 13 दिन बाद 13वीं संस्कार कर रहे हैं। इस दौरान शाहरुख खान की नवनिर्मित फिल्म पठान में दर्शाए गए दृश्य को लेकर नाराज परमहंस दास ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि शाहरुख खान की फिल्म पठान में भगवा रंग को बेशर्म रंग बताया गया है, इससे संत समाज को आपत्ति है। 13 दिन पहले हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान का पुतला दहन किया था। 13 दिन पूरा होने पर शाहरुख खान की 13वीं संस्कार किया गया। परमहंस दास ने दावा किया है कि अमेरिका की खुफिया लिस्ट शाहरुख खान का नाम है जो अलकायदा को फंडिंग करता है। देश विरोधी गतिविधियों को शाहरुख खान संचालित करता है। शाहरुख खान की फिल्म का विरोध होना चाहिए और बायकॉट करना चाहिए। जगत गुरसा परमहंस आचार्य ने कहा, शाहरुख खान की 13वीं जिहाद की समाप्ति का आगाज है। ये शाहरुख खान ने जो फिल्म पठान बनाया है उसमें भगवा रंग को जिस तरह से इसने बेशरम रंग बताते हुए, तो उससे हम लोगों को आपत्ति रही और उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने फिल्म के बैन करने की भी मांग उठाई और उसका बायकॉट करने का हम लोगों ने धर्मादेश भी जारी किया है। साथ ही साथ में हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान का जो है पुतला दहन किया था। आज 13 दिन पूरा होने पर हमने शाहरुख खान की 13 ही किया है। यह शाहरुख खान वही है कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए इसने चंदा तक इकट्ठा करके वहां ले गया, लेकिन जब अपने देश उत्तराखंड में बाढ़ आई तो यह शाहरुख खान एक रुपये भी नहीं दिया। लेकिन इस बेशरम को शर्म नहीं आई, अमेरिका के एयरपोर्ट पर इसको नंगा कर दिया गया था। अमेरिका के खुफिया एजेंसी की संदिग्ध लिस्ट में शाहरुख खान का नाम अभी भी है। यह अलकायदा को फंडिंग करता है और लगातार यह जो है देश विरोधी गतिविधि को संचालित करता है। आतंकवादियों के इशारे पर यह जो है देश में इस तरह की हरकतें करता रहता है। यह शाहरुख खान पूरे देश में जो है अश्लीलता और इस तरह की वेब सीरीज और फिल्म जो है बना करके हमारे नौजवानों के चरित्र की हत्या कर रहा है। इसलिए जिहाद भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो, इसको ले करके हम लोग जो है अब जो है इसको अभियान शुरू कर दिए हैं और शाहरुख खान की आज हमने 13 ही किया है। और लोगों से अपील भी करता हूं कि जो भी देश विरोधी कोई भी फिल्म या वेब सीरीज बने उसका विरोध भी करिए, बायकॉट भी करिए, फ्लॉप होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके ऊपर हमें जो है सरकार से भी जो है तो अपील है कि उस पर विधिक कार्रवाई हो। जब फ्रांस में मोहम्मद साहब पर कार्टून बनता है तो वो तमाम पूरे विश्व में उसका प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ। भारत में यहाँ तक कि भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने हिंदुओं का घर लूट लिया। हम दूसरे की आस्था पर हम जो है तो कभी अपमान नहीं करते हैं, लेकिन मेरी आस्था पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। जब देखो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों को जो है उनकी हत्या हो रही है, उनको लगातार उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, और इसके बावजूद भी जो है अगर ये खत्म ना हो ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम साधु संत धर्माचार्य आगे आ गए हैं अयोध्या से। मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जिहाद को जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आज हमने शाहरुख खान की 13 ही किया है, ये पूर्ण रूप से जिहाद की 13 ही है, जिहाद की समाप्ति का आगाज है। और अब सरकार और जनता मिल करके आतंकवाद को जिस तरह से खत्म करने के लिए पूरे विश्व में ओम विष्णु 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 नमः परमात्मे तत्सदति भूम जम्बूदी पे भारत वर्षे भरत खंडे भार्यावर्त एक देशांतर्गते उत्तर प्रदेश से अयोध्या मंडलांतर के पूर्व पवित्र मासे अद्य तेरही क्रियाकर्म अहम करिष्ये। आज मैं जो है फिल्म जिहादी शाहरुख खान की 13 ही कर रहा हूँ। 13 दिन पहले मैंने इसका जो है तो पुतला दहन किया था। नफरत फैला रहा है, इसलिए जिहाद पूर्ण रूप से भारत से समाप्त हो। जिहाद के कारण देश में न जाने कितने निर्दोषों की जान जा रही है, कितनी बहन बेटियों की जान जा रही है, इसलिए जिहाद आज इसको जो है
आइए।